हमारा पहला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों इस सवाल का आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करें। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 5 सेकंड। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 1 मई को। तीसरा सवाल है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिलने वाली है। इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चौथा सवाल है, किस महापुरुष की समाधि को शक्ति स्थल कहा जाता है? दोस्तों अभी तक आपने एक भी सवाल का जवाब कमेंट नहीं किया है, तो अपना जवाब कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी जी की। पांचवा सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर है हीराकुंड बांध। छठवां सवाल है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सासाराम में। सातवां सवाल है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। इसका सही आंसर है राजीव गांधी। आठवां सवाल है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? दोस्तों आंसर देखने से पहले आंसर कमेंट किया करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इसका सही आंसर है आलू। नौवां सवाल है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप रोज़ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहें। इसका सही आंसर है दोस्तों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर दोस्तों सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दसवां सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों आप इनमें से कितने आंसर सही दे पाई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।